नाम भाई आपका? मेरा नाम देवेंद्र भगत जी है। मैं उस समय मंदिर पे यात्रा में था। 11 बजे हम मंदिर पे यात्रा में पहुंच गए थे और हमारा ये साथ में हमारी बहन बेटी थी, माई थी, जो भी कुछ है। हमारा हर साल ये हमारी यात्रा चलती है और अब भी हम बिल्कुल यात्रा धार्मिक जल ब्रज यात्रा के उसमें गए थे। और जैसे ही हमने यात्रा शुरू करी, खेड़ा मोड़ पर पहुँचते ही हमारे ऊपर पत्थर, गोलियाँ और पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दी गई हैं। हमारी कई गाड़ियों में आग लगाई है। मेरी खुद की गाड़ी जल चुकी है गौरक्ष दल की। और कहने का मतलब ये जैसे कि हम अपने बहन बेटियों को अपने साथ मंदिर पर ले गए, कम से भी कम 1 से 1.5 घंटे फायरिंग हुई है मंदिर पर लगातार। तो जैसे आप लोग यहाँ से कितने लोग आप अपने गाँव में से लेकर गए थे? हम अपने गाँव में से 4 लोग थे, जिनमें से कि एक को चोट भी लगी थी। और हमारे को हमें जैसे कि हम वहाँ से निकलने के लिए भी प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है। हमें प्रशासन ने 4 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया जब फोर्स पहुँच गई है। नहीं बताइए, जैसे यात्रा सोहना से नूह की तरफ जा रही थी तो यात्रा बड़े आराम से चल रही थी, तो सबसे पहले आपने कहाँ देखा कि पत्थरबाजी, कौन सी वो जगह थी? वो खेड़ा मोड़ के पास एक होटल है जहाँ से कि हमारे ऊपर लगातार पत्थरबाजी हुई है। छत से पत्थर बरस रहे हैं? पत्थरबाजी, हाँ, छत से। तो आपने देखे पत्थर मारते हुए? बिल्कुल, पत्थर मारते हुए भी देखे हैं। हमारे ऊपर कई बार गोलियाँ भी चली हैं लगातार। जब पत्थर बरस रहे थे तो फिर आप लोग जो टीम जा रही थी उसने सबसे पहले यात्रा रुक गई, उस टाइम की भगदड़ मच गई। उससे सबसे पहले फर्स्ट टाइम में हमारे से आगे पुलिस चली थी। सबसे पहले पुलिस पर पथराव किया गया है। उसमें ASP उषा कुंडू थी, उन पर पथराव किया गया है। और उसके बाद में जितने भी हमारे DJ की गाड़ी थी आगे, उसके बाद में हमारी थी, DJ पर आग लगाने की कोशिश करी है। उसके बाद जब आग लगाने की कोशिश करी तो वो कुछ पेट्रोल के कुछ ऐसे पदार्थ लेकर आए, टायर लेकर आए, क्या लेकर आए? उनके हाथ में पेट्रोल की भरी बोतल थी जिसमें पेप्सी आती है, उससे वो आग लगा रहे थे। और उनके हाथ में कुछ इस टाइप के पत्थर टाइप के जो गोले थे, उनको फेंकने के बाद में हमारी भीड़ पर उनमें बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी की है, गोली। पेट्रोल बम, वो चीज़ें आपने देखी अपने आंखों से? मैंने अपने हाथों से देखे। पेप्सी इतनी बड़ी थी और उसमें पेट्रोल था, उसको फेंक के मारते थे। उनके इतने बड़े बच्चे थे और उनके पास बहुत ही हथियार थे, जो कि हमारे यहाँ तो हथियार वो अलाव भी नहीं है। कितने साल के बच्चे रहे होंगे लगभग? वो लगभग ऐसे होंगे 15-16 साल के बच्चे थे, जो कि जो आग लगाने का ये स्पेशली काम कर रहे थे और पत्थर बरसाने के लिए अब बड़े बड़े थे। अच्छा, मुँह वगैरह लपेटा हुआ था उन्होंने? नहीं, मुंह कुछ लोगों ने जो गोली चला रहे थे उन्हें अपने मुंह पे कुछ उन्होंने नकाब लगा हुआ था और बाकी कुछ ओपन थे। तो उस जैसे पत्थरबाजी हो रही थी और ये पेट्रोल की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो यात्रा फिर उसके बाद चलती रही, आगे निकल गई, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, आप लोगों ने कुछ उनको जवाब दिया? नहीं, हमने अपनी इज्जत और जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हमने अपनी यात्रा वापस मोड़ दी थी पुलिस के कहने के थ्रू। हमारे प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है। उसके बाद में इन्होंने हमारी जितनी भी गाड़ी यात्रा में थी उनमें सब में आग लगानी शुरू कर दी है। एक एक कर आग लगानी शुरू कर दी करके आग लगानी शुरू कर दी है। कितनी गाड़ियों में आग लगाई गई होगी लगभग अंदाजा होगा? लगभग मेरे अंदाजे से भी कम हमारी 150 गाड़ियों के करीब इनमें आग लगाई है, जिनमें कि 70-80 मोटरसाइकिल भी हैं। तो उस टाइम जो महिलाएं भी आपके साथ होंगी, कितनी महिलाएं थी आपके साथ? हमारे साथ में करीब महिला थी, ज़्यादा नहीं, 7,000 से 8,000 महिला थी। 8,000 महिला थी? बिल्कुल। तो उस दौरान कितने लोग होंगे यात्रा में आपके साथ? करीब 15,000 प्लस थी। अच्छा, ये कहा गया कि यात्रा में तलवारें भी थी, हथियार लेकर आए बजरंग दल वाले, नारे लगा रहे थे, मुसलमानों की मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लग रहे थे। इसके अलावा गलत तरीके के इशारे मुस्लिम महिलाओं को देखकर, मुस्लिम लोगों को देखकर आप लोगों की तरफ से किए गए? ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। ये एक भ्रमित करने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जो भी किसी के पास हमारे पास है मंदिर में तलवार थी वो केवल पूजा की थी, हमारा कोई महत्व नहीं था लड़ाई का, क्योंकि हम अपने साथ अपनी माता बहनों को थोड़ी नहीं लेके जाते थे लड़ाई करने के लिए। तो महिलाओं को कैसे बचाया गया वहाँ, क्योंकि महिलाओं को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं? तो महिलाओं में 8,000 महिलाएं कम नहीं होती हैं, तो वापस किस तरीके से उनको गाड़ियों में पहुँचाया गया? जब आग लग गई तो जाहिर सी बात है पत्थर बरस रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, तो माहौल तो ख़राब होना ही था। ये हमारा उस समय जब हमने अपनी महिलाएँ वापस करी थी तो पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है, उसके थ्रू हम वहाँ पर पहुँचे लल्लड़ मंदिर में। तो आप लल्लड़ मंदिर भी गए फिर वहाँ से? वहाँ से लल्लड़ मंदिर में ही हमारी महिलाएं सेफ थी। नहीं, जैसे वो पथराव हुआ उससे मंदिर कितनी दूर रह गया था? वहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी यात्रा निकलती रही, धीरे धीरे आगे चलती रही, वापस बैक कर दी थी। नहीं, तो फिर मंदिर में कैसे गए हैं? वापस उसी रास्ते से बैक होके गए हम। यात्रा जब आ रही थी तब पथराव हुआ मंदिर से वापस आने के बाद? मंदिर से यात्रा चालू होने के बाद ये खेड़ा मोड़ पे पहुंचती है। अच्छा, चालू होने के बाद? हाँ। फिर आप वापस मंदिर में घुस गए? वापस मंदिर में घुसे हैं। तो आपने देखा वहाँ पर जैसे पहाड़ हैं वहाँ चारों तरफ, तो उसमें कहा गया कि पहाड़ों से भी गोलियाँ बरसी, ऐसा कुछ था वहाँ? बिल्कुल, करीब 1 से 1.5 घंटे गोलियाँ चली हैं हमारे ऊपर। और जो मंदिर का जीना है उसमें से हमारे एक बंदे को गोली पेट में से लग के सांतर में लगी है, उसको पुलिस वाले अपने कंधे पर उठा के ले गए थे, जिसको कि दंगाइयों ने एम्बुलेंस के अंदर ही जिंदा जला दिया है।
एम्बुलेंस के अंदर दंगाइयों ने जिंदा जला दिया? जिंदा जला दिया था। कौन है वो लड़का, जानते हैं आपसे? नहीं, ये तो मेरे को पहचान नहीं है। उसको पुलिस वाले अपने खुद कंधे पे लेके रखे गए थे और वो एम्बुलेंस करीब मंदिर से ज़्यादा 100 से 200 मीटर ही चल पाई है। तो ये कैसे पता आपको, क्यों जिंदा जला दिया? आपने देखा अपनी आँख से? मैंने अपनी आँख से डेड बॉडी उसके अंदर देखी है। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि वहाँ पर पहले से प्लानिंग की गई थी, क्या ये चीज़ें पहले से प्लान थी? आपको लगता है प्लान था या बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर ने जो बयान दिया है उसकी वजह से सब कुछ हुआ है? नहीं, ये एक एक दोनों पे आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मम्मन खान ने जो संसद में भी भाषण दिया है कि भाई कोई भी बजरंग दल वाला या गौरक्षा वाला में एक बार पुलिस के साथ पहुँच जाए तो उसकी प्यास से फोड़ देंगे, उस पर ये मेवाड़ से भड़काए गए दंगे जो कि हमारे खिलाफ़ लगाए जा रहे हैं। मेन मकसद ये है कि ना तो हमारा किसी तरह का बजरंग दल कोई किसी को परेशान करेगा, नहीं कोई गौरक्षा दल परेशान करेगा। मेन मुद्दा है कि गौकसी का, ये मोनू मानेसर पर गौकसी का आरोप रोकते तो आरोप लगाते हैं कि गायों की सप्लाई करते हैं कुछ भी है। अच्छा, ये बताइए, जैसे महिलाओं को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं के कपड़े भी वहाँ देखे गए, चप्पलें देखी गई, आपको लगता है कि महिलाओं को घसीटा गया वहाँ आपकी आंखों के सामने? सुनी सुनाई मत बताना। बिल्कुल, हमारे जो महिला हैं उनको भी इन्हें, जो कि मंदिर के नज़दीक थी पहाड़ी पर अपनी जान बचाने के लिए, वो भी खींची इन्हें, जिनके कपड़े फिलहाल मंदिर के आसपास भी पड़े मिले हैं। नहीं, वो जो महिलाएं अंदर चली गई वो बच गई, जो महिलाएं अंदर चली गई वो सेफ हो गई, तो इन्होंने मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की? नहीं, मंदिर के चारों साइड से गोलीबारी की है और मंदिर के अंदर घुसने करने की कोशिश की थी। उसके बाद में स्पेशल एक फोर्स आई है, उसने गोलीबारी करके हम हिंदुओं को सेफ किया है। जब मंदिर, आप थे उस टाइम मंदिर के अंदर? बिल्कुल, मंदिर पर ही था शुरू से आखिरी तक। जब मंदिर के अंदर से बाहर गोलाबारी हो रही थी, क्या माहौल था वहाँ, एक बार जरा उसको बताइए, क्या डर लग रहा था, कैसे लग रहा था कि पुलिस को फ़ोन कर दें या कहीं अधिकारी को फ़ोन कर दें, क्या लग रहा था उस वक्त, कौन आपकी मदद कर रहा था अंदर? जितने के देखो, मैं अपने गांव से लेकर जाना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे नारसिंह भाई हैं, सुरजीत भाई हैं, उन्होंने हमारे MLA साहब से भी फोर्स की घोषणा की थी कि हमारे गाँव के 10-20 बच्चे फंसे हुए हैं और भी हैं। जैसे कि मैंने IG के रीडर के पास भी कॉल की थी, उन्होंने किया था कि हमने भाई साहब 4 डिस्ट्रिक्ट की फोर्स आपके पास इस हमले में भेज दी है, तो उसके बाद में हम वहाँ से सुरक्षित लगाने के लिए कम से भी कम 3 घंटे के बाद हमारे पास फोर्स पहुँची है। इतने हमने, हम अपने माता बहन जिसके रोआ राट मचा हुआ था, क्योंकि आज तो जान मचनी मुश्किल है जिस हिसाब से पार से गोली चल रही थी। तो गोलियाँ लगी भी किसी को, ऊपर से गोलियाँ चल रही थी, किसी को लगी गोलियाँ लगी थी? आप भक्तों को किसी को गोली लगी? हाँ, लगी थी, दो भक्तों को गोली लगी थी मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पे एक तो भंडारा चला हुआ था वहाँ पे गोली लगी है और एक मंदिर के जीने के अंदर गोली लगी है, जो पहाड़ पे से गोली चली है। तो क्या प्लान था उनका, जो ऊपर पहाड़ों पे बैठकर वो गोलियाँ कर रही थी, उनकी क्या प्लानिंग थी, क्या लगता है आपको कि क्या प्लान उन्होंने बनाया था कि इनको सबको मंदिर के अंदर जितने लोग जा रहे हैं उसके बाद इनको मारेंगे, या क्या था ये? एक इनकी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि एकदम से आधुनिक हथियार राइफल वगैरह हैं जैसे कि कट्टे हैं ये, तो इनकी एक सोची समझी प्लानिंग थी कि हिंदू टॉर्चर किया जाए, ये यात्रा निकाली नहीं जाए। ये मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंग भी पे थे, ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी के पास तलवार भी थी तो वो मंदिर पे हमारे महात्मा थे, उनके पूजा की तलवार है, किसी में धार हो या किसी में कुछ भी है तो हम उसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, इन्होंने मंदिर के आसपास नीचे भी आए बाउंड्री के आसपास से, सिर्फ ऊपर से गोलियां चलती रही बस, क्या कोई उस रास्ते पर भी आए? क्योंकि हमने उस रास्ते पर जब हम गए तो हमने देखा वहां पर गाड़ियां जली हुई थी, बहुत बुरा हाल था वहां पर, तो वहां पर भी गाड़ियों में इन्होंने आग लगाई सड़क पे? जो मंदिर के पास टी पॉइंट है वे वहाँ तक, एक मकान बने हुए हैं हिंदुओं के, ये वहाँ तक इन्होंने आग लगाई है गाड़ियों में, और मंदिर के करीब 100 मीटर दूर रह गए थे, उन्होंने मंदिर पे भी इन्हें हमला करने की कोशिश की है।